जब हम छोटे थे तो मन में कई सारे सवाल उठते थे इस प्रकृति को लेकर के, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को लेकर। अक्सर ये सोचा करते थे हम कि बारिश कैसे होती है, बिजली क्यों चमकती है, इतना खूबसूरत और प्यारा सा लगने वाला चांद आखिर इतना दूर क्यों है। ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे और कमाल की बात तो यह है कि आसपास के लोगों से पूछने पर इन सवालों के कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलते थे, बल्कि फनी फनी आंसर्स तो आपने जरूर सुने होंगे। तो ऐसे ही कुछ सवाल जिनके फनी से जवाब आपने सुने होंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और आप हमारे इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसे ही सवालों के साइंटिफिक जवाब लेकर के आए हैं। अपने चाइल्डहुड पीरियड में जब स्कूल की किताबों में हमने चांद, सूरज और सौरमंडल के बारे में पढ़ना शुरू किया तो आपने इस तरह का चित्र जरूर देखा होगा जिसमें बीच में सूर्य है और उसके चारों तरफ गोले बने हैं और हर एक गोले में एक ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में अंतरिक्ष में सूर्य के चारों तरफ इस तरह की कोई रिंग मौजूद है जिस रिंग पर सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फिगर तो केवल हमको समझाने के लिए था। एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा की शादी के एल्बम को देखकर नाराज हो जाता है और उसके मम्मी पापा ने उसे शादी में बुलाया क्यों नहीं। ऐसी एक बात आपने बचपन में सुनी होगी कि बंदर इंसानों के पूर्वज हैं, यानी हम इंसान बंदरों से ही डेवलप होकर आज इस स्तर पर पहुंचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर जो बजे गुजे बंदर हैं वो बेचारे इंसान क्यों नहीं बन रहे। ऐसे ही और भी कई सवाल मौजूद थे जो अक्सर हमारे लिए परेशानी का कारण बनते थे। बिजली के चमकने से लेकर जब कोई ये कहता था कि बिजली के जरिए भगवान ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां पर पानी गिरा और कहां पर नहीं, तो भाई सिवाय हमारे पास माथा पीटने के और कोई चारा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा नॉलेज भी बढ़ता जाता है, इसके साथ ही चीजों के बारे में सोचने और समझने की जो हमारी क्षमता है वो भी बढ़ती जाती है। किताबों से ज्ञान लेकर हम अपने ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हासिल कर चुके हैं जो बचपन में हमें परेशान किया करते थे, लेकिन आज के दौर में भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। क्योंकि दोस्तों बचपन के सवाल तो छोटे छोटे थे जिनके जवाब उम्र के साथ मिल गए, लेकिन जब हम बड़े हुए तो जिंदगी ने हमसे बड़े बड़े सवाल करना शुरू कर दिए, नेचर से रिलेटेड और फिर इस नेचर से बाहर स्पेस वर्ल्ड से रिलेटेड। ऐसे कई सारे सवाल हमारे सामने हैं जिनके जवाब हमें मालूम नहीं और उनके जवाब तलाशने में शायद जिंदगी गुजर रही है। हालांकि विज्ञान में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके जवाब तलाश लिए गए हैं और अगर आप और हम वैज्ञानिक जगत से गहरा रास्ता रखते हैं तो स्पेस वर्ल्ड, थर्मोडायनेमिक्स, पार्टिकल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिकल डेरिवेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स जैसे तमाम विषयों का नॉलेज हमारे पास में है और इसके जरिए हमने प्रकृति के बहुत सारे रहस्यों को जानने की कोशिश भी की है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं उन लोगों के दिलों में हैं जो विज्ञान से ज्यादा वास्ता नहीं रखते। इनमें से एक सवाल ये है कि पृथ्वी हमें चपटी क्यों नजर आती है लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर यह गोलाकार। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह किसी गेंद के सरफेस पर कुछ भी ठहर नहीं सकता, उसी तरह इस गोलाकार पृथ्वी पर हम कैसे ठहरे हैं और क्यों ठहरे हैं। अरे भाई हमें तो गिर जाना चाहिए पर फिर भी हम गिरते नहीं, लेकिन जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो गिर जाते हैं, इसी पृथ्वी पर धड़ाम से गिरते हैं, है ना। अब एक सवाल ये उठता है कि नीचे की तरफ गिरने और पृथ्वी की तरफ गिरने में क्या फर्क है। आप सोच रहे होंगे कि दोनों बातें एक ही तो हैं। तो भाई साहब पृथ्वी के नजरिए से देखा जाए तो आपकी बात सही है, नीचे गिरें या पृथ्वी की तरफ गिरें फाइनली हम गिरेंगे पृथ्वी पर ही। लेकिन यही बात अगर हम स्पेस वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो नीचे की तरफ से और पृथ्वी पर गिरने में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम अंतरिक्ष में होते हैं तो हम नीचे की तरफ गिरते ही नहीं है क्योंकि नीचे की तरफ हमें खींचने वाला कोई बल नहीं होता, जबकि हम पृथ्वी पर होते हैं जो पृथ्वी के भीतर मौजूद होता है ग्रेविटी, और ग्रेविटी के कारण हम नीचे की तरफ गिरते हैं। इस ग्रेविटी के बारे में हमने अक्सर स्कूल कॉलेजेस की किताबों में पढ़ा होगा और ये बात तो हो सकती है कि उस समय हमें ग्रेविटी का सिद्धांत ना समझ आया हो, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। तब इस फैक्ट से एक सवाल और उठता है कि अगर पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींच लेती है तो अंतरिक्ष में मौजूद चांद, तारे और दूसरे ग्रहों को पृथ्वी अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पाती। इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि चीजें पृथ्वी की तरफ किस वजह से गिरती हैं। भले ही ग्रेविटी शब्द आपके कानों में पड़ा हो, आपने सुना हो, लेकिन ये काम कैसे करती है इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। आइए, जब भी आप किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके ऊपर जाने की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाती है और एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वो नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे की तरफ आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने अपनी गति के कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं जिनमें से एक ये था कि पृथ्वी हो या अंतरिक्ष, अगर उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो स्थिर रहेगी और यदि वो गतिशील है
तो वो हमेशा गतिशील ही रहेगी अगर उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऊपर फेंकी जाने वाली गेंद पर कब और किसने इतना बल लगाया कि वो ऊपर ना जाकर वापस जमीन पर आ गई। दरअसल किसी भी वस्तु पर अप्लाई किया जाने वाला फोर्स दो तरीके का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसमें हम वस्तु को छूकर टच करके उसके ऊपर बल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप किसी कार को धक्का देना चाहते हैं तो आप उसको छूना पड़ेगा। आप कोई भी ग्लास उठाना चाहते हैं तो उसे आपको छूना पड़ेगा, बिना छुए आप उसे उठा नहीं सकते। कॉन्टैक्ट फोर्स का इस्तेमाल हम अपने जीवन काल में ज्यादातर रोजमर्रा के काम में भी करते हैं। लेकिन आप बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा होता है जिस पर किसी वस्तु पर बल को अप्लाई करने के लिए उसे छूने की जरूरत नहीं होती, बल्कि दूर से ही हम उसे अपने फोर्स से अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है चुंबक। चुंबक के करीब किसी भी लोहे की चीज को रख दो, वो बिना छुए ही अपनी तरफ उसको खींच लेगा। चुंबक से आप किसी भी चीज को जमीन से उठा सकते हैं, बशर्ते वो चुंबक के फोर्स के दायरे में आती हो। लेकिन यूनिवर्स में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स चार तरीके के होते हैं। पहला है न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा है न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और चौथा है ग्रेविटी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में एक नए वीडियो बनाकर उसको समझने की जरूरत है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में तो आप समझते होंगे, हम इसे एक चुंबक की तरह मान सकते हैं और चुंबक के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बचता है ग्रेविटी। ग्रेविटी को सबसे कमजोर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स माना जाता है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है। ब्रह्मांड और सौरमंडल का जो स्ट्रक्चर है वो उसी पर टिका हुआ है और ग्रेविटी का बेस है मास, यानी कि किसी भी चीज का मास जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा होगी। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि वेट और मास एक ही है? तो आपको बता देंगे किसी भी चीज का मास उस मैटर पर डिपेंड करता है जिसे वो कंटेन करती है। किसी भी पिंड पर जितना ज्यादा मैटर होगा उसका मास उतना ही ज्यादा होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जिससे वो अपने आसपास की चीजों पर अप्लाई करती है। जहां तक बात आती है वेट यानी द्रव्यमान की, तो किसी भी चीज का वेट उतना ही होता है जितना कि पृथ्वी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। किसी भी चीज का मास हमेशा एक सा होता है, यानी उसके भीतर जितना मैटर है वो किसी प्लैनेट या स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। आप चांद पर हों, पृथ्वी पर हों या फिर स्पेस में, आप जितना मैटर कंटेंट करते हैं वो उतना ही रहेगा, यानी आपका मास उतना ही होगा, जबकि आपका वेट प्लैनेट के द्वारा आपके ऊपर अप्लाई किए गए फोर्स के अकॉर्डिंग होता है। धरती पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 9.8 होती है, जबकि चांद पर आपका वेट कम हो जाता है और स्पेस में आपका वेट 0 होता है, क्योंकि स्पेस में आपके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता। वेट और मास एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपका मास बढ़ता है तो फिर वेट भी बढ़ता है, यानी आपके द्वारा कंटेन किया जाने वाला मैटर अगर बढ़ रहा है तो आपका वेट भी बढ़ेगा। इनके बीच रिलेशन होता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। इस फॉर्मूला को यूज करके आप अपने भीतर मास की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। मास कंटेन करने वाली किन्हीं दो चीजों के बीच आपस में एक ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर होता है जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचता है। यहाँ तक कि जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके और आपके बीच भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ग्रेविटी फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल s कैपिटल M अपॉन ऑफ R स्क्वायर। हम इसे शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला फूल उन दोनों के मास यानी स्मॉल m और कैपिटल M और ग्रेविटेशनल कॉन्टेस्ट कैपिटल G के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के स्क्वायर के बाय प्रोपोर्शनल। यहाँ ग्रेविटी कांस्टेंट यानी कैपिटल जी की वैल्यू 6.674×10-11 होती है। अगर हम पृथ्वी के वेट की बात करें तो उसके पहले पृथ्वी के मास की चर्चा करनी होगी जो कि हमारे और आपके कंपैरिजन में करोड़ों गुना है, जिसकी वैल्यू 6×10-24 किलो होता है। धरती के सेंटर से सतह की दूरी यानी स्मॉल r 6425 किलोमीटर है। अब आप चाहें तो पृथ्वी और अपने बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। पृथ्वी अपने आसपास और सतह पर मौजूद हर ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार अप्लाई करती रहती है। यही वजह है कि जब भी आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ जरूर गिरती है, लेकिन फाइनली इस ग्रेविटेशनल फोर्स की लिमिट को क्रॉस करके पृथ्वी से बाहर जाने का भी एक रास्ता है। अगर आप किसी चीज को इतने अधिक वेलोसिटी के साथ थ्रो करें कि वो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जा सके, किसी भी चीज के पृथ्वी से बाहर जाने के लिए उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो करना जरूरी है, लेकिन ये वेलोसिटी बहुत अधिक है और इसे हासिल करना आसान नहीं है।
जिस तरह पृथ्वी अपने आसपास की चीजों पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उसी तरह हमारा सूरज अपने आसपास चक्कर लगा रहे ग्रहों पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। क्योंकि सूर्य के भीतर जो मैटर है वो हमारी पृथ्वी से कई लाख गुना ज्यादा है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जिस तरह हर चीज पृथ्वी पर गिरती है, उसी तरह पृथ्वी सूर्य में क्यों नहीं गिरती, बाकी सारे ग्रह सूर्य में क्यों नहीं गिरते। इसका जवाब ये है कि सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो पृथ्वी को सूर्य से बाहर की तरफ धकेल देता है। इस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ बैलेंस में होते हैं, बस उसी पॉइंट पर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और उसी के अकॉर्डिंग अपने मास और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बाकी के ग्रह भी सूर्य के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ एक बैलेंस में रहकर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यही सिद्धांत धरती और चांद के बीच भी काम करता है। दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जल्दी फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखने के लिए शुक्रिया।